ये कोई मैटर नहीं होता ना उम्र कुछ होती, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो उम्र की बात करते हैं ना, ना कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो। अबे जीत को निशाने को सक्सेस को चैंपियंस के लिए कोई उम्र नहीं होती है, वो जिस दिन ठान लेते हैं वो लेजेंड्स बन जाते हैं। और लेजेंड्स हैव अ डिफरेंट इंग्रेडिएंट उनके अंदर, योद्धाओं के लिए सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। मालूम क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनमें कुवत होती है चैलेंज लेने की। बात यह है कि ट्रेनिंग और लाइफ में मोटिवेशन क्या है यार, तुम्हें अपने डिसीजन पर भरोसा करना पड़ेगा। उसी रास्ते पर जहां तुम चल रहे हो, तुमसे पहले भी बहुत आए थे, तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे। कुछ लेजेंड्स बन गए और कुछ लल्लू बन गए, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें लेजेंड बनना है लल्लू। फर्क इतना है, जीतता वही है जो रोज उसी काम को करता रहता है, अपने डिसीजन पर डाउट नहीं करता है। तूने एक बार अपने डिसीजन लेने के पहले बहुत बार सोचना, लेकिन अगर एक बार ट्रेनिंग की सोच ली है, बिजनेस शुरू करने की सोच ली है, रिलेशनशिप की सोच ली है, या कुछ अपनी जिंदगी में अलग करने की सोच ली है, खुद की इंसल्ट मत करना। जो डिसीजन ले लिया है उसके लिए रोज मेहनत कर, बहुत कठिन रास्ता है, और अकेले रहने की आदत डाल। कोई शरीर से नहीं आता है, आप हारते हो इससे। दिमाग ये कमांडर है, कमांडर इन चीफ जो होता है। आपकी बॉडी वो करती है जो आपका दिमाग कहता है। इसलिए सबसे पहले ये नहीं कि उठे और कुछ भी करने लगे, नहीं, अपने दिमाग को इसको कमांड करो। पूरा गेम जो है ना उस खोपड़ी का है, इस दिमाग को ट्रेन करो। दिमाग को ट्रेन करने का बड़ा सरल तरीका है, मालूम है क्या है? खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा करोगे नहीं और दुनिया को इल्जाम, किसी को इल्जाम नहीं देना, अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। ये नहीं है कि मेरा ये कि मेरा शरीर नहीं बन रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, मैं धंधा शुरू कर रहा हूं फेल हो जा रहा हूं, क्यों किया? फिर अपने आप पर भरोसा रख, अपने दिमाग को ट्रेन कर। शरीर गुलाम है और तुम मालिक, मालिक बनना है गुलाम, खुद निर्णय करो। तुम्हें वो गुलामी चाहिए, ये मालूम है क्या है? बॉडी, बॉडी सीधी सी बात है टेलीविजन के जैसा है, और दिमाग होता है रिमोट कंट्रोल। क्या देखना है दिमाग ये डिसाइड करेगा। आपको मंजिल के लिए अगर चाहिए ना, सो डोंट गिव दिस एक्सक्यूजेस, रिमेंबर।